2016 में हम अपना हफुआ पंचायत पैक्स में धान दिए थे लगभग 44,000, जो कि अभी तक पैसा नहीं मिला है। और तो इस बार भी धान हुआ है तो बिचौलिया के हाथ से हम 1,250 रुपये प्रति क्विंटल बेच दिए हैं। आखिर सरकार का रेट है 1,700, तो हम गरीब किसान हैं, अब क्या करें, बिचौलिया के हाथ में सस्ता बेचना पड़ता है। सूचना आ रही है कि अधिप्राप्ति एक्चुअली शुरू हो गया है या कुछ सेंटर्स हैं जो अभी नहीं चालू हो पा रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में चालू हो जाएंगे, कि लोगों द्वारा बाहर धान दिया जा रहा है। तो एक तो वो गलतफहमी लोगों को नहीं रहे, और बेसिक अभी हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से क्या क्या करना है इस अधिप्राप्ति वर्ष में उसकी जानकारी के लिए, सबसे पहले तो राज्य सरकार से हम लोगों को जो टारगेट प्राप्त हुआ है इस साल अधिप्राप्ति का, वो था 6,000 मीट्रिक टन का, मतलब 60,000 क्विंटल का। लेकिन एक स्टैंडिंग आदेश राज्य सरकार का है कि जितना भी उत्पादन हुआ है धान का, उसका 20% हम लोगों को परचेज करना है। तो उसके हिसाब से करीब 2,50,000 क्विंटल का परचेज का टारगेट चतरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने रखा है, जो कि राज्य सरकार के दिए गए टारगेट से ज़्यादा है। तो 60 लाख तो मिनिमम करना है जो राज्य सरकार के स्तर से दिया गया है, लेकिन यथासंभव कोशिश जिला प्रशासन का है कि कुल धान उत्पादन का 20%, जो कि हम लोगों के यहाँ करीब 2,70,000 टन के आसपास